कल रात में पुलिस को खबर मिला था कि सुन्नीगांव के जो ऑर्डस्कट है नौगांव में, वहाँ पर 3-4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही रात में 2 बजे फायरिंग शुरू हो गया। ऑपरेशन को पहले मतलब रोक दिए, सिविलियन को घर से बाहर निकाले और अभी ऑपरेशन ओवर हो गया, जिसमें लश्कर तोबा के 3 टेररिस्ट मारे गए और एक 47 2 पिस्टल मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 10 दिन पहले खुनमो के सरपंच समीर अमर भट्ट साहब का किलिंग हुआ था, उसमें 3 टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। ये आइडेंटिफाई हुआ है आदिल तेली कहकर और दूसरा साकिब है तांत्रे सोपियन का, तीसरा मौसली उमर तेली है और उसके फैमिली को बुला रहे हैं। तीनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है और तीनों पीआरआई जो पीपी जो होते हैं सरपंच पंच पर बार बार अटैक करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो जितनी अटैक में हैं, जैसे कुलगांव में सरपंच को मारा गया तो उसके सारे मुरल को मतलब बस्टर के अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया है। सीआरपी वाले को मारा उसको मतलब पकड़ लिए हैं, उसको अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया, वेपन्स हो गया है। चाहे बडगांव वाला जो किलिंग था आर्मी के जवान का हो गया, और अभी ये बाकी था खुरमु के सरपंच वाला, ये भी सॉल्व हो गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक से चले, ग्रास रूट पर डेवलपमेंट नहीं हो, इसलिए सरपंच पंच को जो सॉफ्ट टारगेट है इस पर टारगेट इसको अटैक किया करवा रहा है लोग। लेकिन हम लोग भी मुंह तो जवाब दे रहे हैं और आइडेंटिफाई के इसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ रहे हैं, इसको पीएसए लगा रहे हैं और कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं।